बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी पहल की है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए उन्होंने कहा है, अगर सरकार चाहे तो कोरोना से लड़ने में नेता प्रतिपक्ष के नाते आवंटित आवास को आइसोलेशन, जांच केंद्र या क्वारंटीन के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक महीने की सैलरी देने का भी ऐलान किया है। तेजस्वी यादव ने कहा, इस कठिन घड़ी में सभी सामर्थ्यवान लोग जिम्मेदारी से अपना अपना कर्तव्य निभाएं। उन्होंने कहा कि साथी बिहार वासियों की जीवन सुरक्षा का जिम्मा लें, जितना बन सके उतना करें, मास्क, हैंड सैनिटाइजर और जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी ना करें। तेजस्वी यादव ने अपनी अपील में कहा, कोरोना वायरस से मिलकर लड़ेंगे, उसे हराएंगे और बिहार को सुरक्षित बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में लिखा, अब समय आ गया है कि हम सभी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और तेज करना होगा। बिहार में कोरोना वायरस के फैलाव और उसके चलते हुई मृत्यु दुखद है। सरकार को हर लापरवाही त्याग कर त्वरित एक्शन लेना होगा। इस लड़ाई में हम सभी सरकार का हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मुझे नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पटना में जो सरकारी आवास मिला है, मैं चाहूंगा कि उस आवास का उपयोग सरकार अपनी सुविधा अनुसार करे और कोरोना से लड़ने के लिए सार्थक कदम उठाए। इस बीमारी से लड़ने के लिए मैं अपना एक महीने का वेतन मुख्यमंत्री सहायता राहत कोष में देने की घोषणा करता हूं। बिहार में कोरोना से एक जान चली गई है, लेकिन अब और नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार की सकारात्मक पहल में पूरा सहयोग देंगे, लेकिन किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि आखिरकार सवाल हर एक जिंदगी का है। वहीं आरजेडी के एक विधायक जितेंद्र कुमार राय ने अपना होटल आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए दे दिया है। इस बारे में ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, मैं विधायक श्री जितेंद्र कुमार राय अपना इंद्रलोक होटल राज्य सरकार को आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए समर्पित करता हूं। कोरोना से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण देश में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की है। देश भर में कोरोना से 580 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और ये ना फैले इसके लिए लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी है। संकट की इस घड़ी में राजनीति भूलकर मदद का हाथ आगे बढ़ाना सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।